हम आपके लिए आज एक नए डिजाइन का पायदान लेकर आए हैं, जिसके लिए हमने ये देखिए चुन्नी से एक एक इंच की पट्टी निकाल रखी है। ये देखिए आप इसे साड़ी, आपके पास कोई कपड़ा है, ऊन है, किसी भी चीज़ से आप बना सकते हो। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए अभी जो हम बनाएंगे उसमें फंदे डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नॉट लगाएंगे। ये देखिए एक नॉट लगा करके ही बनाना है। देखिए एक नॉट लगा लिया मैंने, इस तरह से बनाना आपको कई बार बता दिया है। देखिए इसका ये जो किनारा है इसके बीच में इस तरह से रोल कर लो, और ये देखिए इस तरह से पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए फंदा दोनों साइड से बढ़ाते जाना है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि हमें फंदा दोनों ही साइड से बढ़ाना है। ये देखिए पट्टी को इस तरह से लपेटते हुए फंदा को बढ़ाना है। इस तरह से फंदा बढ़ाना बहुत ही आसान है। ये देखिए दोनों साइड से ही हमें फंदे बढ़ाना है। ये देखिए पट्टी को लपेटते हुए देखिए 2, 3, 4 ये जो फंदा बढ़ाते हैं इसको भी बुन लेते हैं। वापस देखिए फिर इस साइड से भी उसी तरह से पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाते जाना है। ये देखिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमें फंदा दोनों ही साइड से बढ़ाना है। देखिए जैसे जैसे ये ऊपर फंदा बढ़ता जाएगा ये देखिए इसका आकार बनता जाएगा। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 देखिए एक फंदा हमने यहाँ नॉट से डाला था, 3 फंदा इस साइड और 3 फंदा इस साइड, 6 फंदा बढ़ गया, 1 नॉट से था तो ये 7 फंदा बन गया। देखिए इसी तरह से इसमें दोनों साइड ही पट्टी को सिलाई के ऊपर लपेटते हुए हमें फंदा बढ़ाना है। बीच में फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दोनों साइड से ही हमें फंदा बढ़ाना है। इसी तरह से दोनों साइड से फंदा बढ़ाते हुए आपको जितना बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हैं इसको। तो मैं इसे 16 फंदे तक इसमें फंदा बढ़ा लेती हूँ। ये देखिए दोनों साइड 8-8 फंदे बढ़ जाएंगे, और एक फंदा जो बीच का नॉट से लगाया था उसको लेकर के इसमें 17 फंदे हो जाएंगे। तो इसी तरह से मैं 16 फंदे तक इसको बना लेती हूँ, फिर आगे कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स दोनों साइड से हमने फंदा बढ़ाते हुए हमने ये 16 फंदे बढ़ा लिए, 8 फंदा हमने इस साइड बढ़ाया और 8 फंदा हमने इस साइड बढ़ाया। अब ये देखिए क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे हमने एक एक फंदे दोनों साइड से बढ़ाए थे, एक एक फंदा हमने इस साइड से बढ़ाया था और इस साइड से भी एक एक फंदा, वैसे ही अब हमें यहाँ पे फंदे घटाने हैं। ये देखिए 1, 2 फंदा हमने ले लिया, और यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी लगा रही हूँ। इसको मैं 2 कलर से बना रही हूँ, आप 1 कलर से बनाना चाहो तो 1 कलर से भी बना सकते हो, लेकिन जो ये डिजाइन बनानी है इसमें हमें 2 कलर से बनाना है इसको। ये देखिए इस तरह से हमने इस पट्टी को इस तरह से पकड़ लिया और ऐसे देखिए ये, और वापस इसका जो ये किनारा है इसको इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से लपेट लेंगे, देखिए इस तरह से हमने इसको लपेट लिया और ये बना लिया। अब ये देखिए इस पट्टी को हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इस पट्टी को यहाँ से कट कर दिया, और इसको भी इसके बीच में रख करके रोल कर लेंगे। ये देखिए इसको भी इसके बीच में रख करके इस तरह से रोल करके ये बनाते जाएंगे। ये देखिए देखिए 3, 4, 5, 6,
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया, एक फंदा हमने यहाँ पे नॉट लगाया था उससे डाला था, दोनों साइड हमने आठ आठ फंदा बढ़ाया था। तो अब ये देखिए इसी तरह से इस साइड भी दो का एक करते हुए हमें फंदा बंद करना है। देखिए जैसे हमने दोनों साइड से फंदे बढ़ाए हैं वैसे ही हमें दोनों साइड से फंदा घटाना भी है। ये देखिए एक फंदा यहाँ पे घट गया, बाकी सभी फंदों को इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन लेंगे। बीच में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ साइड साइड से ही हमें फंदे बढ़ाने हैं। जैसे हमने फंदे साइड घटाने हैं, सॉरी, जैसे हमने साइड साइड से फंदे बढ़ाए थे दोनों साइड से, वैसे ही हमें दोनों साइड से फंदे घटाना है। बीच में कुछ भी नहीं करना है, बीच में ऐसे उल्टा उल्टा हमें बनाते जाना है। देखिए बीच में कुछ भी नहीं करना है। अब ये देखिए यहाँ से भी इसी तरह से। ये देखिए इसमें अगर एक कलर से बनाते हैं तो उल्टा सीधा बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, दोनों साइड से ही एक जैसे होता है। लेकिन जब ये दो कलर की हमने ये पट्टी लगा दी है इसमें, तो देखिए ये उल्टा साइड हो गया है और ये सीधा साइड है इसका। तो इसी तरह से दोनों साइड से हमें फंदे घटाते जाना है। ये देखिए देखिए इसको भी हम गिन सकते हैं। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ फंदा हमारा इस साइड भी बढ़ा है आठ फंदा। तो ये उल्टे उल्टे की आठ रो इस साइड से भी बनी हुई है और इस साइड से भी वैसे ही उल्टे उल्टे की ये आठ रो बनी हुई है। अब ऐसे ही ये जो दूसरे कलर से बना रहे हैं इसके भी उल्टे की आठ रो बनेगी, यानी सोलह सिलाई हम इसको बुनते हैं, सोलह सिलाई बनाते हैं। तो दोनों साइड से उल्टे उल्टे की आठ आठ रो बन करके आती है। इस बॉक्स को बनाना बहुत ही आसान है, इसमें फंदे डालने की जरूरत नहीं होती, एक नॉट लगा करके दोनों साइड से ही हमें फंदे बढ़ाने होते हैं। आपको जितना बड़ा रखना है उसको बनाने के बाद फिर दोनों साइड से जैसे फंदे बढ़े होते हैं वैसे ही एक एक करके फंदे घटाते जाते हैं। ये देखिए इसी तरह से दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए इसको पूरा बना लेते हैं। देखिए इसी तरह से दो का एक करते हुए हमें फंदे घटाते जाना है। तो इसी तरह से मैं सभी फंदों को घटा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमने ये बॉक्स बना लिया है। देखिए इसी तरह का मैं तीन और बना लूँगी। तो ये देखिए तीन और हमने बना लिया, तो इसमें ऐसा ही हमें ये टोटल चार बनाना होगा। तो ये देखिए हमने ये चार बना लिया है। अब ये बॉक्स बन गया है, इसके बाद अब हम कली बनाएंगे इसका डिजाइन बनाने के लिए। तो ये देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये बॉक्स बनाया है तो इसमें हमने एक एक फंदा बढ़ा करके यहाँ पर सोलह फंदा किया है। तो ये जितने फंदे हमने बढ़ाए हैं उतने ही फंदे हम इसमें ये कली बनाने के लिए उतने फंदे इसमें डालेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे। सिर्फ फ्रेंड्स ये कली बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपने फंदे कितने बढ़ाए हैं। आप जितने फंदे बढ़ाओगे, जितना बड़ा बनाओगे, जितने फंदे बढ़ाओगे उतने फंदे ही ये कली बनाने के लिए इसमें डालने होंगे। तो ये देखिए इस तरह से क्रॉस कराते हुए हमें फंदा डालना है। तो देखिए दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। क्योंकि हमने दोनों साइड से आठ आठ फंदे बढ़ाए हैं, सोलह फंदे टोटल बढ़े हैं, तो इस वजह से हमने ये कली बनाने के लिए इसमें सोलह फंदे डाले हैं। अब ये देखिए अभी सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। ये इस तरह से फंदा डालना बहुत ही आसान है,
जिसको फंदा डालना नहीं आता, जो पहली बार पायदान बना रहा है, वो भी इस तरह से फंदे डाल करके पायदान बना सकते हैं। पहली सिलाई आराम से बनाते हैं, नहीं तो इसमें बीच में गैप आ जाएगा, ये देखिए। तो इसी तरह से सभी फंदों को उल्टा उल्टा हम बनाते जाएंगे। ये उल्टा साइड है, तो उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया है। ये देखिए सीधा साइड है, तो अभी क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, ये देखिए, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह फंदा हमने बना लिया। दो फंदा यहाँ पे हमने छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे, ये देखिए। और उल्टे साइड से कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनते जाना है। ये देखिए उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है। मैं ये जिस तरह से बता रही हूँ इसी तरीके से बनेगा। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये पहला फंदा जो होता है इसको सिर्फ एक साइड से बनाते हैं, तो देखिए मैंने उस साइड से बना लिया, इस साइड से हमने इसको उतार लिया है। तो देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदा बना लिया, ये दो फंदा, और हमने यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए उल्टे साइड से हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लिया है। देखिए सीधे साइड से पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, ये देखिए पहला फंदा उतारने से ये किनारी देखिए कितनी प्यारी बन करके आती है इस तरह से। तो इसी तरह से हम देखिए नीचे से दो दो फंदे छोड़ते जाएंगे, ऊपर से पहला फंदा उतार लेंगे पट्टी को अपने साइड करके, ये देखिए नीचे से, फिर ये दो फंदा हम यहाँ छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, फिर देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ, इस तरह से देखिए दो दो करके हमने आठ फंदे छोड़ दिए हैं। आठ फंदा है, इसको भी इसी तरह से दो दो करके छोड़ देंगे। इस साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा सिर्फ बुनना है, उल्टे साइड से कुछ भी नहीं करना है, डिजाइन हमें सीधे साइड से ही बनानी है। ये देखिए दो दो करके हमने सभी फंदे छोड़ दिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, चौदह फंदे छूट गए, दो फंदे ये हैं। अब हमें क्या करना है, जो दो दो करके सभी फंदे छोड़े हैं वो सभी फंदे हम बुन लेंगे। तो देखिए पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया, अब देखिए सभी फंदे हम बुन लेंगे। देखिए दो तीन चार, इस कली को भी बनाना बहुत ही आसान है, पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह और ये देखिए पंद्रह। अब इस फंदे को एक को हम नहीं बुनेंगे, यहाँ से पट्टी को पीछे कर देंगे क्योंकि यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी लगानी है। अगर इसको ज़्यादा बनाओगे तो होल बड़ा हो जाएगा, इस वजह से अब यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी लगानी है, तो इसको हमने इधर से बुनना नहीं है। अब यहाँ से मैं दूसरे कलर की पट्टी को लगा लूँगी, ये देखिए इस तरह से दूसरे कलर की पट्टी को लगाएंगे, ये देखिए इसको हमने बुन लिया। अब इस पट्टी का ये जो किनारा है इसके बीच में हम इसको लेकर के लपेट लेंगे, इस तरह से इसके बीच में लेकर के रोल कर देंगे, तो बाहर नहीं निकलेगा बिल्कुल भी और ना ही पता चलता है कि हमने पट्टी कहाँ से जोड़ी है। ये देखिए
इस पट्टी को थोड़ा सा इस तरह से टाइट कर लेंगे। अब सभी फंदों को जो हमने दूसरे कलर की पट्टी लगाई है इससे हम बना लेंगे सभी फंदों को। ये सारे फंदे हमने ये दूसरे कलर की पट्टी से बना लिए हैं। अब ये देखिए, जैसे हमने ये कली बनाई थी वैसे ही हमें ये कली भी बनानी है। तो देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब ये दो फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। ये देखिए, तो जैसे पहली कली बनी थी वैसे ही ये दूसरी कली भी ऐसे ही सभी कलियाँ बनेंगे। इसमें हम टोटल 7 कली बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने आपको दूसरी कली भी स्टार्ट करके बता दी है। बनाने का तरीका सेम रहेगा, जैसे हमने पहली कली बनाई थी उसी तरह से ये दूसरी कली भी बनेगी। एक बार मैं और आपको दिखा दे रही हूँ। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया, ये देखिए। देखिए यहाँ पे पहले दो फंदा छोड़ा था, दो फंदा और छोड़ देंगे, यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से ये टोटल हम इसमें 7 कली बना लेते हैं। 7 कली बनाने के बाद मैं दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 7 कली बना ली है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी 7 कली हमने बना ली है। अब ये देखिए क्या करना है, 2 का 1 करते हुए हमें फंदे बंद करना है। ये देखिए 1, 2, ये 2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, ये देखिए वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया। इसी तरह से हमें सभी फंदे बंद कर देना है। ये देखिए, देखिए एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, दोनों को एक साथ बुन दिया। इसी तरह से सभी फंदों को बंद करते जाना है। ये देखिए, ये देखिए, ये कली बन करके पूरी कंप्लीट हो गई है। ऐसी एक और हम बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने एक और बना ली है। अब इसको कैसे सिलाई करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ये चारों बॉक्स रख लेंगे। ये देखिए, सभी को हम इस तरह से उल्टा रख लेंगे। आप ये कलर अंदर भी रख सकते हो, लेकिन हमने क्या किया, ये जब कली बनाए हैं तो इसमें ये कलर यहाँ पे लगाया है, तो इस वजह से इस तरह से इसको सी लेंगे। ये देखिए, इसको इसके साथ इस तरह से यहाँ से ऐसे रख करके इस तरह से सी लेंगे। ये देखिए, ऐसे यहाँ पे रख लेंगे, इस तरह से इसको सिलना है हमें। ये देखिए ऐसे। अगर ये कलर अंदर को रखेंगे तो फिर ये सही नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों कलर एक सा हो जाएगा। तो इस वजह से इसको बाहर को रखेंगे और ये कलर हम अंदर रखेंगे। ये देखिए, इसको भी ऐसे उल्टा रख के दोनों साइड ही हमें ऐसे ही सिलना है। ये देखिए, इसको हमें दोनों साइड ही इसी तरह से सिलना है। तो इसके लिए हमने ये देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेंगे। तो ये देखिए कैसे सिलेंगे, इस तरह से यहाँ से। और यहाँ पे एक नॉट लगा देंगे जिससे कि ये खुले नहीं। देखिए इस तरह से दोनों को साइड का आपस में लेते हुए इस तरह से सिलते जाएंगे। ये देखिए, देखिए ये बिल्कुल भी इधर से दिखाई नहीं देगा कि कहाँ पे सिलाई लगी है। तो अब ये देखिए, इसको ऐसे सिल लेंगे, फिर इस तरह से यहाँ तक सिल लेंगे, फिर इसको ऐसे सिल करके इस तरह से सिल लेंगे, और वापस ये कली यहाँ पे एक इस साइड और एक इस साइड इसको सिलाई कर देंगे। तो इसको सिल लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि देखने में ये कैसा लगता है। ये देखिए, मैंने कली थोड़ी सी बड़ी क्यों रखी है ये मैं आपको सिल के दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से इसको सिलते जाएंगे। ये देखिए,
एक बार मैं आपको कली भी जोड़ के दिखा दे रही हूँ, आप कहोगे कि ये कली बड़ी है, क्योंकि ये जो इसका होल है इसको देखिए, इसकी वजह से हमने इसको थोड़ा सा बराबर फंदे रखे हैं, जितने कि हमने ये बॉक्स बनाया है उतने फंदे से हमने ये कली इस वजह से बनाई है कि ये देखिए। अब इसको यहाँ पे इसका जो होल है इसको यहाँ पे ही लेकर के इसके साथ बना देंगे, तो ये होल यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अगर आप इसको ऐसे सीधा रख के बनाओगे तो यहाँ पे ये होल पता चलेगा। अब ये देखिए बिल्कुल इसके बराबर हो गया है, तो इस वजह से हमने इसमें बराबर ही फंदे रखे हैं, जितने फंदे हमने यहाँ रखे हैं उतने ही फंदे से हमने कली बनाई है, तो ये इसका होल यहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। ये देखिए इसका फिर ये राउंड शेप गुलाई जो है वो बहुत अच्छी बन करके आती है। ये देखिए थोड़ा सा आपको कली सिलते हुए इस कली को थोड़ा लूज रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा इस तरह से आपको टाइट रखना होगा, फिर ये इसकी गुलाई बहुत अच्छी बन करके आएगी। देखिए फ्रेंड्स ये कितना प्यारा पायदान बन करके आया है, देखिए इसकी डिज़ाइन कितनी खूबसूरत लग रही है, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है और बनाना उतना ही आसान है। आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताएं, कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।